हुंजा जो है ना, हुंजा ऐसी जगह है जहाँ से एग्रीकल्चर की बाकी लोग भी यहाँ से सीखते हैं। तो फलदार दरख्तों की अहमियत का जब से मैं हुंजा आया हूँ तब से एहसास हुआ कि लोग इसके लिए कितना जो है ना तड़पते हैं। इंतहाई जो है ना क्यूरसिटी है कि लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएँ। बदकस्मती से इस साल सिर्फ 40,000 फलदार पौधे थे जो कि उनके मुँह में जेरे के बराबर। फिर एडिशनल मैंने डिमांड दी 40,000 का, उसमें से 10,000 पौधे मिले। 10,000 में से ये आखिरी 2,500 पौधे रहते हैं, बाकी ख़त्म हो गए। लोग आ रहे हैं लेकिन अब मैं बेबस हूँ। तो डिमांड ज़्यादा है? आप डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फलदार पौधों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरी जो है ना, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि यहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरियाँ हैं। इस दफ़ा ETI के ताउन से हम 2 नर्सरियाँ बना रहे हैं, इंशाल्लाह दो साल बाद वहाँ से भी प्रोडक्शन आएगी। अपनी नर्सरी पर भी हम जोर दे रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। बाकी जो तो सीज़न कब तक है इसका? ये सीज़न जो है ना, जब तक ये इसका स्प्राउट नहीं होता तब तक इसका सीज़न है। तो अभी थोड़ा सा सीज़न ले अभी है, तकरीबन मार्च के एंड तक है हुंजा में, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल स्प्राउट होने से पहले आप तो जो आपने फलदार दरख्त वो कौन कौन से दरख्त दिए हैं? इसमें चेरी है, उसमें आलमंड है, खुबानी है, मिक्स फ्रूट जो है ना और चट दिए हैं इस साल। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सिफत आलम है, ताल्लुक़ करीमाबाद से है। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर खासकर हुंजा के इंतहाई मशहूर है कि उन्होंने जो फलदार दरख्त मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए ज़मींदारों को मुहैया किया है, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने मुनसिफाना तकसीम किया है। अलबत्ता डिमांड और ज़्यादा है, हुंजा में फलदार पौधों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इसके नस्बत जो आगे से जो इनको मिला है वो कलील मकदार में मिला है। उनको तकसीम करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के पौधे, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ मैं वाबस्ता होने की वजह से मैं देखता हूँ उनकी जड़ें और इनकी सेहत और अच्छे क्वालिटी के दरख्त इन्होंने मुनसिफाना अंदाज में तकसीम किया है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खासकर हुंजा के DD साहब और इनके अमले के हम इंतहाई मशहूर हैं।